नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सी राजेंद्र अरोड़ा है और आज हम इकट्ठा हुए हैं जीएसटी में एक और बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और आपको फ्रेश वीडियोस अपने आप पता लगते रहेंगे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ट्रांजेक्शन वैल्यू की, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई की, वो वैल्यू जिसके ऊपर टैक्स रेट अप्लाई होना है। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, टैक्स रेट भी इंपॉर्टेंट होता है, हमें पता होना चाहिए कि इस गुड्स पे एक्चुअल टैक्स रेट क्या लगना है, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें यह पता होना चाहिए कि किस वैल्यू पर लगना है। दो हमारे पास गाइडेंसेस हैं, पहला है एक्ट की और दूसरी है रूल्स की। एक्ट में सेक्शन 15 कहता है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगी। उन्होंने कहा कि दो कंडीशंस पूरी करें और जो भी ट्रांजेक्शन वैल्यू है वो हमें एक्सेप्टेबल है। दो कंडीशंस कौन सी हैं? पहला, सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड पार्टीज, और दूसरा, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। दोस्तों, अगर ये दोनों कंडीशंस आप पूरी करते हैं तो जो भी ट्रांजेक्शन वैल्यू है, जिस वैल्यू पर भी आपने वो सप्लाई की है गुड्स और सर्विसेज की, वो डिपार्टमेंट को एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी नहीं होती, मतलब सप्लायर और रेसिपिएंट रिलेटेड है या प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन, तो जो ट्रांजेक्शन वैल्यू आपने डिटरमाइन की है वो रिजेक्ट हो जाएगी और फिर हम रेफर करेंगे रूल्स को। अब यहां पर सबसे पहले ये बात समझने वाली है कि रिलेटेड पार्टीज कौन सी होती हैं। सेक्शन 15 में ही रिलेटेड पार्टीज को डिफाइन किया है। 8 रिलेटेड पार्टीज हैं। पहला है कोई भी व्यक्ति जो कि ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स इन वन अदर्स बिजनेस, एक कंपनी और दूसरी कंपनी के डायरेक्टर्स कॉमन है, ऑफिसर्स कॉमन है, एक फर्म के ऑफिसर्स कॉमन है, वो रिलेटेड पार्टी। दूसरा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, जो भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉई है वो रिलेटेड पार्टी। तीसरा, अगर कोई लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर्स हैं इन बिजनेस, वो भी रिलेटेड पार्टी है। दोस्तों, चौथा, अगर कोई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक दूसरे को कंट्रोल करता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, द वन हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्स द अनदर, दैट शेल, बोथ ऑफ देम शेल बिकम द रिलेटेड पार्टी। ये पॉइंट जो है दोस्तों, वो बहुत परेशान करने वाला है इन टाइम्स टू कम, क्योंकि ऐसे बहुत सारे रिलेशनशिप्स, एसोसिएशंस, ज्वाइंट वेंचर्स होंगे जहां पर एक दूसरे को कंट्रोल करने की स्थिति हो सकती है। अगला, बोथ ऑफ देम कंट्रोल्ड बाय द थर्ड पर्सन, और वन ऑफ और टुगेदर दे कंट्रोल द थर्ड पर्सन, मतलब दोनों मिलकर एक थर्ड पर्सन को कंट्रोल करते हैं, या एक थर्ड पर्सन दोनों को कंट्रोल करता है, तो कॉमन थ्रेड हो गया उन दोनों के बीच में, तो दोनों रिलेटेड पर्सन हो गए। आखिरी, मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, फादर सन, फादर डॉटर, हस्बैंड वाइफ, ये सारे भी रिलेटेड पर्सन हो गए, और अगर ये रिलेटेड पर्सन हो गए तो इनके बीच की जो ट्रांजेक्शन वैल्यू है दैट शेल बी रिजेक्टेड, एंड देन वी हैव टू रेफर टू द रूल्स, दोज आर स्पेसिफिकली ड्राफ्टेड फॉर दिस। अब आगे बात आती है, सेक्शन 15 को ही कंटिन्यू करते हैं और रूल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सेक्शन 15 को कंटिन्यू करते हैं और हम ये डिटरमाइन करते हैं कि ट्रांजेक्शन वैल्यू में कौन कौन सी चीजें एडिशनली जुड़ेंगी और कौन कौन सी चीजें घटेंगी, कौन सी इंक्लूड होंगी, कौन सी रिड्यूस होंगी। 5 आइटमें इंक्लूड होंगी। पहला है कोई भी टैक्सेस ड्यूटी अदर देन दी सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी अगर पे हुआ है, दैट शैल बी एडेड टू द ट्रांजेक्शन वैल्यू। दूसरा, कोई भी चीज जो कि सप्लायर की जिम्मेदारी थी एंड दैट इज इनकर्ड बाय द रेसिपिएंट, दैट हैज टू बी एडेड टू द ट्रांजेक्शन वैल्यू। कोई चीज मैंने करनी थी एज ए सप्लायर, लेकिन वो रेसिपिएंट ने खर्चा कर दिया उसके लिए, दैट शैल बी एडेड टू द ट्रांजेक्शन। कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंस है, थर्ड, कमीशन है, पैकिंग चार्जेस है, दैट शैल ऑल्सो बी एडेड टू द ट्रांजेक्शन वैल्यू। चौथा, इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी फॉर द डिलेड पेमेंट ऑफ द कंसिडरेशन ऑफ एनी सप्लाई। मैंने सप्लाई की, कंसिडरेशन नहीं आई, मैंने कंडीशन लगा रखी है कि भैया आपने अगर 6 महीने के बाद पैसे नहीं दिए तो इंटरेस्ट, लेट फी या पेनल्टी, जिस भी नाम से मैं उसको कहूं, वो पैसा जो कि मैंने एडिशनली रिकवर किया है, दैट शेल ऑल्सो बी पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन वैल्यू। लेकिन इसमें एक रिलीफ है कि इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी तब टैक्सेबल होंगे, इसकी टाइम ऑफ सप्लाई होगी रिसीट बेसिस पे, ना कि जैसे ही आपने चार्ज किया तब। जैसे फॉर एग्जाम्पल, स्टॉक ब्रोकर है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं। स्टॉक ब्रोकर है, स्टॉक ब्रोकर ने 5 लाख रुपए के स्टॉक सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर खरीद लिए, उसकी ब्रोकरेज है उसमें 5,000 रुपए। अब उसने 5,05,000 रुपए जो है इन्वेस्टर से लेने हैं, उसके ऊपर वो ब्याज लगा रहा है अगर वो ड्यू टाइम में नहीं पे हुए,
जो 5 लाख रुपए में ब्याज लग रहा है दैट इज नॉट द इंटरेस्ट फॉर एनी सप्लाई. जो 5,000 रुपए में जो उसकी ब्रोकरेज पे ब्याज लग रहा है दैट शेल बी कंसिडर्ड द इंटरेस्ट फॉर द सप्लाई. वो ब्याज जुड़ेगा, 5 लाख वाला ब्याज नहीं जुड़ेगा क्योंकि दैट इज नॉट फॉर द सप्लाई. आखिरी सब्सिडी, अगर कोई भी सब्सिडी रिसीव सप्लायर को मिलती है तो वो ट्रांजेक्शन वैल्यू में ऐड होगी. फॉर एग्जांपल एचओ ने अपनी ब्रांचेस को कहा, अपने बाकी ऑफिसर्स को कहा कि एक पर्टिकुलर आइटम आप बेचो, 1 लाख रुपए की आइटम है, 10,000 रुपए हम आपको सब्सिडी देंगे, 90,000 रुपए में लोगों को बेचो. हमने रेसिपिएंट से ब्रांच ने 90,000 कलेक्ट किए लेकिन टैक्स कलेक्ट होगा 1 लाख रुपए में, 90,000 रुपए में वो 10,000 रुपए भी जोड़ दूंगा. डिडक्ट क्या होना है दोस्तों, सिर्फ एक आइटम डिडक्ट होनी है और वो है डिस्काउंट. डिस्काउंट दो सिचुएशंस में, एट द टाइम और बिफोर द सप्लाई, जो भी इनवॉइस पर आपने डिस्काउंट दिया है शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द ट्रांजेक्शन वैल्यू, टैक्स शैल नॉट बी चार्ज्ड. दूसरा, आपने एट द टाइम और बिफोर द सप्लाई नहीं दिया, आफ्टर द सप्लाई दिया, पोस्ट सप्लाई दिया, तो दो कंडीशंस पूरी करो और उसको भी डिडक्ट करा लो. पहला कि आपका एक एग्रीमेंट सप्लायर और रेसिपिएंट के बीच में होना चाहिए विच इज मेड एट द टाइम और बिफोर द सप्लाई. आफ्टर द सप्लाई एग्रीमेंट कर लो और आपको होगी डिडक्शन, हम क्लेम कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है. दूसरी, इसमें इसी फर्स्ट क्लॉज में कंडीशन है कि आप जो भी डिस्काउंट दोगे दैट शैल बी लिंक्ड विद द रेलेवेंट इनवॉइसेस फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड फॉर विच यू आर ऑफरिंग द डिस्काउंट. दूसरी कंडीशन यहां पर अगली आती है कि जो डिस्काउंट आपने दिया है उससे रिलेटेड जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है दैट हैज टू बी रिवर्स्ड बाय द रेसिपिएंट ऑल्सो. अगर आप ये दोनों कंडीशन पूरी करते हैं तो पोस्ट सेल डिस्काउंट, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट भी आपको अवेलेबल है. अब बात आती है दोस्तों कि हमने ट्रांजेक्शन वैल्यू बनाई, एक्सेप्ट हो गई, लेकिन ट्रांजेक्शन वैल्यू बनाई और वो रिजेक्ट हो गई. रिजेक्ट किस सर्कमस्टेंस में होगी, दो सर्कमस्टेंस, या तो पार्टीज जो है सप्लायर रेसिपिएंट रिलेटेड है, दूसरा या तो प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन, मनी जो होली कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन जो है वो सिर्फ मनी में नहीं आया है, किसी और तरीके से भी आया है, इन काइंड भी आया है. अब इनको रूल्स में कैसे डिस्कस करना है. पहला रूल है दोस्तों कि हम वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर रिलेटेड पार्टीज एंड डिस्टिंक्ट पर्संस. इसमें एजेंट के लिए कैलकुलेशन नहीं है, एजेंट के लिए रूल अलग है. रिलेटेड पार्टी एंड डिस्टिंक्ट पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन में ब्रांचेस आ जाती हैं, डिस्टिंक्ट पर्सन में डिस्ट्रीब्यूटर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं वो, क्योंकि वो रिलेटेड पार्टीज है. रिलेटेड पार्टी में स्पेसिफिकली सोल डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी एड किया गया है दोस्तों. तो हम पहला रूल पढ़ रहे हैं कि जो रिलेटेड पार्टी एंड डिस्टिंक्ट पर्सन के लिए रूल क्या है. उसमें कहते हैं कि आप या तो ओपन मार्केट वैल्यू ले लो. ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी ऑफ सप्लाई की वैल्यू ले लो. अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो आप एक काम करो, रूल 30 और 31 फॉलो कर लो. पहले 30 कर लो इन ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस, पहले 30 कर लो, फिर 30 भी नहीं लगता तो 31 कर लो. 30 क्या कहता है दोस्तों, 30 कहता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर और कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट का 110% आपकी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई हो जाएगी. अगर 30 भी नहीं लगता तो 31 लगा दो. 31 क्या कहता है दोस्तों कि अगर आप जो है आप यू हैव टू फाइंड इट आउट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स इन कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल्स लेड डाउन बाय सेक्शन 15. सेक्शन 15 में कौन से प्रिंसिपल्स है, प्राइस नॉट, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन एंड पार्टीज आर नॉट रिलेटेड पार्टीज. आर यू विद मी? देन यहां पर बात समझने की है दो पॉइंट्स की, ओपन मार्केट वैल्यू क्या है और वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी क्या है. दोस्तों ओपन मार्केट वैल्यू फिर वही, ऑफ एनी सप्लाई, वैल्यू ऑफ एनी सप्लाई विच इज मेड बिटवीन वेयर द सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन. और वो सप्लाई उस समय हो रही है जिस समय इस सप्लाई की वैल्यू हम डिटरमाइन कर रहे हैं. अगला वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी, वो कहते हैं जी वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज हैपनिंग इन द सिमिलर सर्कमस्टांसेस फॉर सेम क्वांटिटी, सेम क्वालिटी, सेम नेचर, सेम फंक्शनैलिटी एंड सेम रेपुटेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज आल्सो. लाइक काइंड एंड क्वालिटी, वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी, ये दोनों ओपन मार्केट वैल्यू और वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी इस तरह से डिटरमाइन होना है. अगला रूल आता है, हमने पहला रूल देखा रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पर्सन के लिए. अगला रूल आता है दोस्तों व्हेन कंसिडरेशन इज नॉट होली मनी. पहला उन्होंने आपको सॉल्यूशन दिया कि ओपन मार्केट वैल्यू ले लो अगर आपके पास है तो. अगर ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है तो आप एक काम करो, आप सम टोटल कर दो जो कंसिडरेशन आपको मिली है, जमा में
जो आपको इन काइंड मिला है उसकी मनी वैल्यू जोड़ दो, कंसिडरेशन प्लस मनी वैल्यू ऑफ इन काइंड, कंसिडरेशन इन काइंड रिसीव्ड। अगर ये भी नहीं हो सकता तो लाइक काइंड एंड क्वालिटी थर्ड, और अगर लाइक काइंड एंड क्वालिटी की वैल्यू भी नहीं मिल सकती तो चौथा रूल क्या है जी आपका, वही रूल 30 लगाओ, 110% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर, कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट। 31 भी नहीं लगता तो सेक्शन 15 के प्रिंसिपल्स के हिसाब से उसको डिटरमाइन करो। अगला रूल आता है एजेंट के लिए, क्योंकि हमने कहा था कि रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पर्सन में एजेंट इंक्लूड नहीं है, उसके लिए सेपरेट रूल है। एजेंट में उन्होंने कहा कि आप ओपन मार्केट वैल्यू लो और 90% ऑफ द लाइक काइंड एंड क्वालिटी, इन दोनों में से जो भी आपकी ऑप्शन है आप ले लो, ओपन मार्केट वैल्यू और 90% ऑफ वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो ऑफ कोर्स रेजिडुअल रूल लगते हैं, आपके पास रूल 30 है और 31 है। आखिरी सिचुएशन है प्योर एजेंट की। दोस्तों हमें पता है कि हम बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस में प्योर एजेंट की तरह काम करते हैं। अब प्योर एजेंट कौन होता है पहले तो ये समझना जरूरी है। चार कंडीशन पूरी करो और प्योर एजेंट बन जाओ। पहला कि सप्लायर और रेसिपिएंट के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए कि भाई मैं रेसिपिएंट के बिहाफ पे थर्ड पार्टी को खर्च करूंगा। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्योर एजेंट सप्लायर रिसीव करेगा उस पर उसका कोई टाइटल नहीं होगा। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज वो रिसीव करेगा वो अपने इंटरेस्ट के लिए उनको यूज नहीं करेगा, और जो भी वो रिसीव, दो चीजें रिसीव करेगा, चौथी कंडीशन कि वो अपनी सप्लाई ऑफ सर्विसेज गुड्स की वैल्यू रिसीव करेगा, जमा में जो भी उसने इनकर किया है ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पर्सन, ऑन बिहाफ ऑफ रेसिपिएंट आई वुड से, वो रिसीव करेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये चार कंडीशन पूरी करें तो आप प्योर एजेंट बन जाएंगे। प्योर एजेंट बनते ही आप ये चाहते हैं कि जो एक्सपेंसेस और कॉस्ट आपने इनकर किया ऑन बिहाफ ऑफ रेसिपिएंट वो आपके वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई में ना जुड़े। उसके लिए आपको तीन कंडीशन पूरी करनी है दोस्तों। पहली, आपने थर्ड पर्सन को जो पेमेंट किया है वो ऑथराइजेशन के अंडर किया है, रेसिपिएंट हैज ऑथराइज्ड यू टू मेड पेमेंट टू द थर्ड पर्सन। दूसरी, आपने जो पेमेंट की है एज प्योर एजेंट दैट हैज टू बी सेपरेटली मेंशनड ऑन द फेस ऑफ द इनवॉइस। और तीसरी कंडीशन क्या है कि आपने ये जो खर्चे किए हैं प्योर एज प्योर एजेंट, दिस इज इन एडिशन टू द सप्लाईज मेड बाय यू टू द रेसिपिएंट ऑन योर ओन अकाउंट। अगर आप ये तीन कंडीशन पूरी कर लें तो आप प्योर एजेंट बन जाते हैं। प्योर एजेंट बनते ही आपने जो एक्सपेंसेस और कॉस्ट इनकर की ऑन बिहाफ ऑफ द रेसिपिएंट वो आपकी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई में नहीं जुड़ेगा। दोस्तों एक एग्जांपल के साथ मैं यहां पर ये वीडियो खत्म करूंगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट ने एक कंपनी बनाई ऑन बिहाफ ऑफ माय रेसिपिएंट, तो जो एमसीए की फीस उसने पे की वो एज प्योर एजेंट उसने पे की, वो रिइंबर्सेबल है, उसके ऊपर वो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई में नहीं जुड़ेगा, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन उसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कोई स्टैट ऑडिट या इंटरनल ऑडिट परफॉर्म किया एट द लोकेशन ऑफ द ऑडिटिंग, और वहां जाने आने और वहां रहने खाने पीने का खर्चा उसने क्लेम किया रेसिपिएंट से, दैट शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन बिहाफ ऑफ द थर्ड पर्सन। My dear friends, that shall be added to the value of taxable supply, even if you have separately mentioned on the face of the invoice, even if you have raised a separate invoice for this, my dear friends. Dosto, ye puri journey hai value of taxable supply ki, transaction value se lekar rules tak ki. I hope that you would certainly like this video. Thank you very much for watching this video. Please subscribe my channel. My name is C. Rajendra Arora. Thank you.